नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पानी वाले एक्वेरियम जो होता है उसमें हम लोग एलईडी लाइट लगाएंगे, नया फिल्टर रिप्लेस करेंगे और पूरा स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपना एक्वेरियम का सारा चीज़ फिटिंग करेंगे, पानी की उसकी साफ़ सफाई कैसे करेंगे और मछली को कैसे डालते हैं उसमें। प्रॉपर टिप आपको बताएंगे एक्वेरियम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। ये हमारे पास 2 फीट बाई 1.5 फीट का सुओ कंपनी का एक्वेरियम है। ये चाइनीज़ एक्वेरियम है जो पूरा तरह से रेडीमेड बना हुआ आता है। इसका ये ऊपर वाला टॉप है जिसमें फ़िल्टर इंस्टॉल रहता है, ऊपर में ओवरहेड फिल्टर रहता है और उसमें लाइट भी ऊपर में ही ओवरहेड ही होता है। तो ये हमारे पास पहले वाला ट्यूब टाइप का एलईडी लाइट लगा हुआ था जो कि काफ़ी कम लाइट था और जिस आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो काफ़ी कम लाइट कर रहा है, जिससे पूरा प्रॉपरली अंदर में लाइट हमारा दिखता नहीं था, फिर से जो अच्छा तरह से दिखता नहीं था। तो हम लोग आज इसमें सीओवी एलईडी लाइट लगाएंगे जो कि वाटरप्रूफ होता है। हम लोग 10 पीस सीओवी लाइट लगाएंगे जिससे काफ़ी अच्छा लाइटिंग हो जाएगा हमारे एक्वेरियम में। और उसके बाद हम लोग जो इसका सबमर्सिबल पम्प है वाटर फिल्टर वाला, वो भी ख़राब हो चुका है तो उसको भी रिप्लेस करेंगे। और लास्टली एक हम लोग नया इसमें हम लोग एक फोम फिल्टर जो होता है, एयर फिल्टर होता है, उसको भी हम लोग नया इसमें इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि हमारा अगर समर्सिबल पंप जो है ख़राब भी हो जाए तो हमारा फिल्टर जो है एयर फिल्टर से भी हमारा वो पानी साफ रहे। हमें सीओवी एलईडी लाइट जो है 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है तो हमें उसमें 12 वोल्ट का एक अडाप्टर लगाना पड़ेगा जिससे वो लाइट ऑन हो। तो इसके लिए हम लोग ने इसका जो पहले चौक लगाने वाला जो बॉक्स बना हुआ था उसको हम लोग खोल लिए, इसके अंदर ही हम लोग फिटिंग करेंगे जो पावर अडप्टर है। और देख सकते हैं आप, हमारा जो पहले एलईडी ट्यूब लगा हुआ था उसका भी अडप्टर उसी के अंदर में रखा हुआ था, इसलिए क्योंकि पानी का जो होता है ना ऊपर में बबल्स आता रहता है, जिससे क्या होगा कि पानी अगर अडप्टर में चला जाएगा तो वह शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पूरे तरह से वाटर प्रूफ रहता है और कवर रहता है। हम लोग एक्वेरियम का पानी या सब कुछ निकालने के बाद हम लोग जो पानी उसका ग्लास होता है उसको हम लोग नमक के सहायता से साफ़ करेंगे। जो खाने वाला नमक हमारे घर में यूज होता है उसको हम लोग जेंटली अंदर के ग्लास में धीरे धीरे करके सब स्क्रब करके लगा देंगे। एक अच्छा स्क्रबर का काम करता है और इसमें जितने भी फंगस और पानी में लगे हुए होते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए हमने सीओवी लाइट इंस्टॉल कर दिया है, ये काफ़ी इसका अट्रैक्टिव लाइट है। काफ़ी ज़्यादा हमारा दोनों सिस्टम हमने रखा है, पहले जो ट्यूब वाला लाइट था वो भी है और ये भी है, दोनों चलेगा। हमें जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। ये हमारे पास एयर फिल्टर है जो फोम एयर फिल्टर भी बोलते हैं, ये हमारे जो एयर पंप होता है उसके इससे द्वारा ये काम करेगा। ये हमने अप्रॉक्स 220 रुपीज़ का खरीदा है। इसका काम क्या है कि ये नीचे की तरफ, इसमें हेवी वेट होता है जो ये नीचे की तरफ इंस्टॉल हो जाता है और इसमें अगर हमारा जो समर्सिबल पंप है वो ख़राब भी हो जाता है तो इसमें एयर पंप के थ्रू इसमें जितने भी कचरा है पानी का वो इसमें जाकर इसके फोम में जाके जमा हो जाते हैं और इसके फोम से हम लोग बाहर निकाल के फोम को साफ़ कर देंगे तो ये कचरा जितना भी इसमें अंदर में जमा है वो निकल जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूट है, हमारा जो समर्सिबल पंप है, जो फिल्टर है हमें सबमर्सिबल, उसका सब्स्टिट्यूट है। अगर वो ख़राब हो जाता है तो ये हमारा काम करता रहेगा। ये हमारा पुराना वाला सबमर्सिबल फिल्टर है जो कि ख़राब हो गया है, ये सुबो कंपनी का नहीं था और अभी जो हमने दूसरा जो लाया है ओवरहेड जो सबमर्सिबल पंप लाया है ये सुबो का ही है, तो उसी कंपनी का सेम है। अब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और पुराने वाले को हटाकर इसे रिप्लेस करेंगे। देखिए हमने इसका पूरा फिटिंग लगा लिया है, अब इसको हम लोग एक्वेरियम के अंदर में फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने ग्लास को पूरे नमक की सहायता से साफ़ कर लिया, उसके बाद पानी से उसको साफ़ धोकर जितने भी अंदर के कचरा था उसको निकाल लिया। ये प्रॉपर साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं ये क्लीन हो गया है, इसमें जितने भी फंगस और काई लगी हुई थी वो सब साफ़ हो गए हैं। अब इसमें हमने मैं जो फोम फिल्टर है उसको इंस्टॉल करेंगे।
सबसे पहले, क्योंकि इसको नीचे की तरफ रखना है, नीचे वो दबाव रहेगा और इसका जो पानी का कनेक्शन है, ये एयर पंप का कनेक्शन है, उसे हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इसका एयर पंप से इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग। अब हम लोग जो हमारा सबमर्सिबल ओवरहेड पंप है उसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें एयर क्यूब होते हैं जो कि ग्लास में इजी वे में चिपक जाते हैं। देखिए इस तरह से इसको दबा कर प्रेस कर देंगे तो ये चिपक जाएगा। इसका एक जो पाइप है, जो इसका इंटेक वाला पानी इंटेक करने का, वो नीचे की तरफ लगा हुआ रहता है, और एक पाइप का कनेक्शन करेंगे हम लोग, जो ओवरहेड फिल्टर हमारा लगा उसमें कनेक्शन करेंगे। ये जो वायर है इसका AC 220 वोल्ट का, उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन हमें AC लाइन में देना है। अब दोनों फिल्टर इंस्टॉल होने के बाद हमने कलर स्टोन जो है, हम लोग बेसमेंट मतलब नीचे का जो फर्श है उस पर हम लोग कलर स्टोन डाल रहे हैं। आपको जैसा रिक्वायरमेंट रहे आप उस वो डाल सकते हैं उसके नीचे में। बहुत लोग वाइट स्टोन भी डालते हैं, हमने कलर स्टोन डाला है इसके नीचे में, जिससे इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और जो फिस है वो उसके साथ में इसका पिक्चर लेंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसको प्रॉपरली एक बराबर करके नीचे का एक लेयर जो है हमने कलर स्टोन से हाथ से दबा दबा कर बराबर कर लेना है। इसके बाद ही हम इसमें पानी भरेंगे। एक बात ध्यान देना है कि आप कभी भी बाहर से फिश लेके आते हैं, आपको पॉली बैग में वो मछली वाले आपको पैक करके देते हैं, उसको जो एक्वेरियम का पानी है उसमें आधे घंटे तक डाल के छोड़ देना है। इससे ये होता है कि ये जो मछली नई वाली आती है वो दोनों का टेम्परेचर मैच कर जाता है, और वो उसकी सर्वाइवल रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें हम लोग ब्लू कलर का जो मेडिसिन होता है वो डाल देंगे, डो ड्रॉप, और अगर आपके पानी में क्लोरीन है तो ये ग्रीन वाला मेडिसिन भी हम लोग डो ड्रॉप डाल देंगे, अगर आपका 2 फीट का एक्वेरियम है, जिससे जो पानी है वो क्लीन हो जाता है, और जो मछली है उसके लिए एक मेडिकेशन है कि आप मछली जो है अच्छा, इससे मछली का सर्वाइवल रेट जो होता है वो अच्छा रहता है। अब आता है हम लोग ऊपर का ओवरहेड जो यूनिट है उसको लगाएंगे। इसमें ये देख सकते हैं ये फिल्टर लगा हुआ है ऊपर का ओवरहेड में, इसका कनेक्शन हम लोग सबमर्सिबल पंप से करेंगे। इस ओवरहेड जो सबमर्सिबल पंप है, इसका जो मैकेनिज्म है, नीचे से जो पंप है वो पानी को लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ, और ये इस पाइप के थ्रू, इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो छेद के थ्रू पानी देखिए गिरता है इस स्पंज पे, और जितना भी नीचे का कचरा है वो आके स्पंज में जमा हो जाता है, और ये स्पंज से फिल्टर होकर ये पानी फिर वापस उसी एक्वेरियम में क्लीन पानी जो होता है वो नीचे चला जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, तो क्या होता है नीचे का जितना भी गंदगी है वो इसमें इस स्पंज में आके इकट्ठा हो जाता है। अब देख सकते हैं हमारा एक्वेरियम रेडी हो गया, सारे मछली उसमें डाल दिए हैं, सारा सेटअप ओके हो चुका है, और अभी जो लाइट जल रहा है वो पुराना वाला हमारा जो LED लाइट था ट्यूब वाला वो जला है, और ये हमारा COB LED लाइट जो हमने 10 लगाया था उसका लाइट है। देख लीजिए इसमें कितनी ब्राइटनेस है और कितना क्लीन दिख रहा है। अभी 1-2 घंटा और लगेगा पानी को क्लीन होने में, और पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर ये दिखेगा पानी इसमें। अब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।